कातिर अपराधी रेहान पुत्र मोहम्मद हनीफ जो संभल में मियांसराय का रहने वाला है, इसका संगठित ग्रोह है। इसके द्वारा अपराध कारित करते हुए ये संपत्ति अर्जित की गई है, जिसको आज न्यायालय के आदेश से राज्य सरकार के हित में कुर किया जाता है। सुनो। संभल में योगी सरकार की अपराध और अपराधियों पर कार्यवाही जारी है। पशु तस्कर और गैंगस्टर रेहान पर आज प्रशासन का हंटर चला है, जहां उसके 21.5 लाख के मकान को आज जब्त किया गया है। मामला सदर कोतवाली के मियां सराय का है, जहां सरकार का हंटर देखने को मिला है। पशु तस्कर और गैंगस्टर रेहान के मकान को कुर्क करने को मनादी और ढोल संघ पुलिस पहुंची, जहां उसके 21.5 लाख के मकान पर पुलिस ने पहले कुर की चस्पा की तथा मकान को सरकार के पक्ष में कुर्क कर लिया गया। एसपी के जिलाधिकारी के आदेश पर अपराध से अर्जित संपत्ति को गैंगस्टर की धारा 14(1) के तहत उसका मकान कुर्क किया गया है। ढोल और मनादी संघ की गई कुर्की को देखने को तमाम लोग मौजूद रहे। थाना संभल के अंतर्गत एक गौ तस्कर जिसका नाम रेहान पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद हनीफ है, ये मियां सराय का निवासी है। इस पर पहले गैंगस्टर की कार्यवाही की जा चुकी है। आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार तथा पुलिस की प्रभावी कार्यवाही के द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) में लगभग 21.5 लाख का इसका 3 मंजिले का मकान जब्त किया गया है। इस पर अन्य वैधानिक कार्रवाइयां कराई जा रही हैं।